जी सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है बच्चों? कैन यू हियर मी? ग्रेट, चलें जी। आज एक्चुअली लाहौर की हालत काफी खराब है इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक। इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। बट स्टिल आई डिडंट वांटेड टू कैंसिल द क्लास। मैंने कहा चले आपसे थोड़ी हेल्प हाई भी हो जाएगी और आपके अपने अपने रिस्पेक्टिव शहरों के हालात भी पता लग जाएंगे मुझे। सो व्हाट्स गोइंग अराउंड अराउंड इन योर सिटीज? वहां पे भी ट्रैफिक के यही हालात हैं? ऐसी जाम है ट्रैफिक या कुछ बेहतर है वहां पे? इज इट बेटर हियर और वर्स्ट? आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, कल हमने स्टेक होल्डर को कंक्लूड किया था। आज इंशाल्लाह हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करना शुरू करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, इसके और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। अभी तक थर्ड चैप्टर में से जितने क्वेश्चन आए हैं मेनली वो इसी क्वेश्चन में से आए हैं, इसी टॉपिक में से आए हैं, स्ट्रक्चर में से आए हैं। ठीक। सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का रोल एक इदारे की सक्सेस के अंदर, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। बेसिकली एक इदारे में दो किस्म के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, एक होता है फॉर्मल स्ट्रक्चर और एक होता है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। फॉर्मल स्ट्रक्चर वो होता है जो आपकी बुक्स में मौजूद होता है, जिसकी हायरार्की जो है वो आपके इदारे के अंदर क्लियरली डिफाइंड होती है। जिस तरह ऑर्गेनोग्राम जो होता है ना, ऑर्गेनोग्राम इज अ फॉर्मल स्ट्रक्चर। मतलब अगर मैं आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का, जी मैं करता हूँ जूम कर लेते हैं। If I show you a few examples of formal organizational structure, अगर मैं आपको एक इदारे के फॉर्मल स्ट्रक्चर को दिखाऊं, इसे हम ऑर्गेनोग्राम कहते हैं, दैट्स नोन एज ऑर्गेनोग्राम। लाइक दिस इज हाउ अ स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। इस तरह का होता है स्ट्रक्चर। टॉप मैनेजमेंट कौन है, मिडिल मैनेजमेंट, लाइक दिस इज अ वेरी प्रिसाइज ऑर्गेनोग्राम। ये देखें, सीईओ है टॉप पे, फिर मैनेजर है प्रोडक्शन का, मार्केटिंग का, उसके नीचे उसकी सब ऑफिसर्स हैं, उसके नीचे उसके सब ऑफिसर्स हैं। ठीक। दिस इज अ मोर डिटेल्ड वन, ये थोड़ा और डिटेल्ड है। सीईओ है, नीचे डिफरेंट प्रेसिडेंट्स हैं, डिफरेंट नीचे चीफ्स हैं, मैनेजर्स हैं। अगेन डिपेंड्स अपॉन के एक इदारा किस किस्म के नाम देता है अपने एम्प्लॉयज को, किस किस्म की उनको वो डेजिग्नेशंस ऑफर करता है, उस पर डिपेंड करता है कि एक इदारे में किस किस्म के ये स्ट्रक्चर में जो नाम है वो इस्तेमाल होंगे, व्हाट टाइप ऑफ नेम्स माइट बी यूज्ड। ठीक है। सो मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, एंड दीज स्ट्रक्चर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाँ, हर हर लेवल पे पोजिशंस डिफाइंड होती हैं, हर लेवल के ऊपर जो पोजिशंस हैं वो डिटर्मिंड होती हैं। ठीक है। सो फॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है, दैट इज अ स्ट्रक्चर वेयर द स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय द सीनियर मैनेजमेंट। एक इदारा सीनियर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को बनाती है, उसे मेंटेन करती है, और उसे हम एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में शो भी करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को हम ऑर्गेनोग्राम कहते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनोग्राम। जब मैंने आपको डायग्राम्स कुछ दिखाई हैं, ये ऑर्गेनोग्राम्स कहलाते हैं। इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनोग्राम। जैसे मैंने ऊपर जब सर्च किया है तो टाइप भी मैंने ऑर्गेनोग्राम ही किया सर्च बार में, ये ऑर्गेनोग्राम। ठीक। दिस इज द नेम। तो स्ट्रक्चर को हम ऑर्गेनोग्राम भी कहते हैं, जिसमें जेडीज डिफाइंड होती हैं,
हर जेडी का क्या पर्टिकुलर रोल है, ठीक है। और इन एडिशन टू सम फॉर्मल स्ट्रक्चर देयर आर सम इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स एज वेल। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप को। लोगों के नेटवर्क्स होते हैं, उनके सोशल रिलेशन होते हैं आपस में। पीपल यू नो इंटरैक्ट टुगेदर, पीपल हैव अ वेरी डिटेल्ड लेवल ऑफ इंटरेक्शन। लोग आपस में लंच पे मिलते हैं, ब्रेक्स में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इदारे के अंदर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट में ऑपरेट करते हैं अपनी अपनी रिस्पेक्टिव ड्यूटी आवर्स में, बट जब लंच ब्रेक होती है तो वो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक लंच पे। तो ये एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बन जाता है। आपने पढ़ा था ना बिजनेस कम्युनिकेशन में ग्रेप वाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने, यू स्टडीड दैट ना, ग्रेप वाइन। एग्जैक्टली, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ग्रेप वाइन पैदा करता है। इट प्रोड्यूसेस ग्रेप वाइन। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर से ग्रेप वाइनिंग होती है, कम्युनिकेशन फ्लोज क्विक होती है, कम्युनिकेशन चैनल्स बड़े आपके यू नो प्रिसाइजली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। दे आर मोर ऑफ फ्रेंडशिप एंड पर्सनल रिलेशनशिप रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन गोल। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू एनी जॉब, दे आर जस्ट देयर टू चिट चैट, टू इंटरैक्ट। तो ये वो लोग होते हैं जो आप आप समझ लेंगे वो एक चिट चैट लेवल पे ऑपरेट करते हैं। कोई इनका गोल नहीं होता, कोई इनका टारगेट नहीं होता, कोई इनसे रिस्पेक्टिव परफॉर्मेंस डिमांड नहीं की जाती। ये सिर्फ लोग एक वर्क प्लेस के ऊपर आपस में सोशली इंटरेक्ट करते हैं और इनका एज सच द फोकस ऑफ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर इज पीपल नॉट वर्क। और ये फर्क है, फोकस ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर इज वर्क नॉट पीपल। फॉर्मल स्ट्रक्चर का जो फोकस है वो काम होता है, पीपल नहीं होता। अब अगर आप एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट को मैप करें जरा थियरीज ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, सो हमने डिस्कस किया था मैनेजमेंट की थियरीज में कि जो फॉर्मल आपका मतलब जो जो क्लासिकल थियरीज हमने पढ़ी थी, आपको याद होगा कि क्लासिकल थियरीज के अंदर जो मेन फोकस था दैट वाज वर्क नॉट पीपल, और मॉडर्न थियरीज के अंदर जो मेन फोकस था दैट वाज पीपल नॉट वर्क। ठीक, मतलब पीपल एंड वर्क बोथ, ऑब्वियसली किसी एक पे फोकस नहीं था, दोनों पे था, पीपल एंड वर्क बोथ। ठीक, सो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो है दैट इज वेयर कॉमन नॉर्म्स एंड कॉमन बिहेवियर्स आर डेवलप्ड, एंड दीज कॉमन नॉर्म्स एंड कॉमन बिहेवियर अलाउ पीपल टू इंटरैक्ट, टू कम टुगेदर, टू टॉक टू ईच अदर, टू हैव यू नो वर्क प्लेस इंटरैक्शंस। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर अगर स्ट्रांग होगा तो ये फॉर्मल को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इफ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर स्ट्रांग, इट माइट इन्फ्लुएंस इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। रिमेंबर, अगर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होता है ना तो लोग फिर फॉर्मल स्ट्रक्चर को भी उससे अफेक्ट करते हैं। मतलब देयर माइट बी प्रोसीजर्स फॉर डूइंग पर्टिकुलर एक्टिविटी एंड पर्टिकुलर टास्क, बट व्हेन पीपल हैव स्ट्रांग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स तो दे माइट कम अप विद डिफरेंट वेज ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क। वो फिर एक काम को करने के मुख्तलिफ तरीके निकाल सकते हैं। जो एक्सेप्टेबल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स होते हैं दे माइट बी इनफॉर्मल रादर देन बीइंग फॉर्मल। सो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर जो आपका वे ऑफ डूइंग थिंग्स होते हैं वो वेरी कर सकते हैं, दैट माइट वेरी। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर से वर्क एटीट्यूड्स पैदा होते हैं। पढ़ेंगे जाके सिक्स चैप्टर के अंदर एटीट्यूड का पूरा टॉपिक आएगा। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर से वर्क एटीट्यूड बिल्ड होते हैं। जब आप लोगों को इकट्ठा करते हैं, एक ग्रुप का हिस्सा बनाते हैं, तो उनके कलेक्टिव एटीट्यूड बिल्ड हो जाते हैं। अब अगर तो जो लोग हैं वो आपस में यू नो बड़े कनेक्टेड हैं, बड़े आपस में जेल्ड इन हैं, सो दे माइट बी अ प्रॉब्लम फॉर द मैनेजमेंट। दे माइट बी डेवलपिंग अ कलेक्टिव एटीट्यूड, जिसे फिर वो हॉस्टिलिटी कहते हैं, कलेक्टिव हॉस्टिलिटी कहते हैं। हॉस्टाइल कहते हैं खतरा बन जाना, हॉस्टाइल का मतलब होता है किसी के लिए डर बन जाना, खतरा बन जाना। सो जब इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, सो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आर नाउ कलेक्टिवली हॉस्टाइल टू मैनेजमेंट एंड वर्किंग कंडीशंस। इसीलिए जब टीम बिल्डिंग होती है, जब टीम बनाती है मैनेजमेंट, दे आर वेरी कंसिडरेट अबाउट, वो बड़े क्रिटिकल होते हैं, बड़े कंसिडरेट होते हैं कि वो ऐसे लोगों की टीम या ग्रुप बनाएं जो आपस में बहुत ज्यादा जेल्डिन भी ना हो और बहुत ज्यादा आपस में लड़ते मरते भी ना हो। मतलब दे ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस, वो एक बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं कि देयर हैव टू बी सम पीपल, देयर हैव टू बी सम इंडिविजुअल्स जो आपस में बहुत ज्यादा वर्क प्लेस के ऊपर इंटरेक्ट भी ना करते हो और आपस में इतने ज्यादा वो आपस में कोई उनका कोई नेगेटिव रिलेशनशिप भी ना हो आपस में। क्योंकि जैसे ट्रेड यूनियंस होती हैं, आपने सुना होगा ना कॉन्सेप्ट, वर्कर यूनियंस होती हैं ना फैक्ट्री के अंदर। वर्कर यूनियंस जो होती हैं उनका काम ये होता है कि वो आपस में इतने कलेक्टिव एटीट्यूड बिल्ड कर लेते हैं
वो इतने आपस में कलेक्टिव हॉस्टाइल एटीट्यूड्स को बिल्ड कर लेते हैं कि अल्टीमेटली देन दे बिकम हॉस्टाइल फॉर मैनेजमेंट। तो फिर मैनेजमेंट की कोशिश होती है कि कलेक्टिव एटीट्यूड बिल्ड ना होने दिया जाए। हम इसलिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, डेविल्स एडवोकेट। हर मैनेजमेंट जो है वो एक डेविल्स एडवोकेट लाजमी रखती है एक टीम के अंदर। डेविल्स एडवोकेट कहते हैं ऐसा बंदा जो, जैसे वो कहते हैं तीलियां लगाने की आदत होती है, जैसे तंग करने की, या आपस में किसी की बात किसी से करना, किसी की बात किसी से करना, लोगों को आपस में एक दूसरे से मुतनफर करना, उनको आपस में एक दूसरे से स्पॉइल करना, इसे डेविल्स एडवोकेट कहते हैं। तो डेविल्स एडवोकेट बार दफा मैनेजमेंट जानबूझ के टीम में रखती है। दे एक्चुअली ट्राई टू ब्रिंग अ डेविल्स एडवोकेट इन द टीम बिकॉज दे डू नॉट वांट के एम्प्लॉइज जो है वो आपस में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड कर। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर कैन सपोर्ट फॉर्मल स्ट्रक्चर बिकॉज इनफॉर्मल स्ट्रक्चर से आप बहुत सारे ऐसे वेज ऑफ डूइंग थिंग्स निकाल सकते हैं जो मोर एफिशिएंट हैं, मोर इफेक्टिव हैं। ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम टू अ फॉर्मल स्ट्रक्चर व्हेन द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज बिकम हॉस्टाइल टू देयर वर्क एंड द मैनेजर्स। ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, दो दीज बोथ आर एक्सट्रीम्स। दिस इज द पॉजिटिव साइड एंड दिस इज द नेगेटिव साइड। ऊपर वाली साइड पॉजिटिव है, नीचे वाली जो साइड है वो नेगेटिव है। सो मैनेजर्स फिर क्या करते हैं, दे माइट ट्राई टू मेक बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बाय फॉर्मलाइजिंग सम एस्पेक्ट ऑफ द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। वो कोशिश ये करते हैं कि वो फॉर्मल स्ट्रक्चर ही बिल्ड करें लेकिन उसके अंदर वो कुछ इनफॉर्मलाइजेशन ले आते हैं, या कोशिश ये करते हैं कि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को कैरी करें उसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज कर देते हैं, दोनों का काम कर सकते हैं। तो मैनेजर्स का बड़ा, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, टीम का पूरा एक चैप्टर आएगा, 9 चैप्टर टीम बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स का, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह हम टीम्स के अंदर डिफरेंट वेज में ये कनेक्शन जो है वो कलेक्ट करते हैं और इसको हम बिल्ड करते हैं। ठीक, ओके। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इस पर्पस के लिए एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ती है, उस कहानी को कहते हैं स्ट्रेटजी। इस पर्पस के लिए एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ती है, एंड दैट स्टोरी इज नेम्ड एज स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब होता है, इफ यू डिफाइन द वर्ड स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी कहते हैं कोर्स ऑफ एक्शंस और वेज ऑफ डूइंग थिंग्स टू अचीव लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। दिस इज हाउ वी डिफाइन स्ट्रेटजी। ठीक, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस जो है ये वो प्रोसेस है जिससे एक इदारा एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी बनाता है और उसको इंप्लीमेंट करता है। दिस इज नोन एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के तीन पिलर्स होते हैं, इट हैज थ्री पिलर्स। पहला पिलर जो होता है इसे कहते हैं स्ट्रेटजी पोजीशन, नोइंग वेयर यू करंटली स्टैंड, आप कहाँ खड़े हैं। जैसे हमने जब हम सॉर्ट पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पोजीशन एनालिसिस की बात की थी, स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस की, जिसमें फिर आप दो काम करते हैं, आप रिसोर्स एनालिसिस करते हैं और आप एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं। रिमेम्बर, पोजीशन एनालिसिस का मतलब होता है दैट टू आइडेंटिफाई वेयर यू करंटली स्टैंड, आप कहाँ पे खड़े हैं, आपकी करंट स्टैंडिंग क्या है, आपका वीएम क्या है, आपका मिशन क्या है, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, आपके एनवायरमेंट, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो डिपेंड करती है आपकी करंट स्टैंडिंग के ऊपर, वेयर यू करंटली स्टैंड। सुजुकी आज अगर डिटरमिन करेगा उन्होंने बीएमडब्ल्यू के मुकाबले की गाड़ी लॉन्च करनी है, डू यू थिंक वो कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी उनकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन वीक है। दे डोंट हैव अ गुड ब्रांड, दे डोंट हैव दैट रिसोर्स टू प्रोड्यूस अ कार लाइक बीएमडब्ल्यू, यू सी। तो पोजीशन एनालिसिस बुनियाद होती है, दैट इज द फाउंडेशन। वंस यू हैव डिटरमिंड योर पोजीशन, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप स्ट्रेटेजिक चॉइसेस बिल्ड करते हैं। आपके पास ऑप्शंस कौन कौन सी हैं, आप किन किन चॉइसेस में से कोई स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे जब
सुजुकी ने अपना पोजीशन एनालिसिस किया तो पता लगा कि उनके पास रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं है कि वो बीएमडब्ल्यू के लेवल की गाड़ी मैन्युफैक्चर कर सके, तो उन्होंने वो स्ट्रेटजी ड्रॉप कर दी। मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, तो स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो होती है वो आप जब अपनी डिटरमिन कर लेते हैं तो आपके पास फिर ऑप्शंस आ जाती हैं कि आपके पास वैलिड चॉइसेस क्या क्या हैं, व्हाट आर द वैलिड चॉइसेस यू माइट हैव। ठीक है, फिर उन चॉइसेस में से आप किसी एक चॉइस को पिक करते हैं और आप उसे इंप्लीमेंट करते हैं, देन यू इंप्लीमेंट दैट स्ट्रेटजी। सो हियर कम्स स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ थ्री स्टेजेस, इट्स अ थ्री स्टेज प्रोसेस, स्ट्रेटजी, पोजीशन, चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन। और जब आप स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, व्हेन यू इम्प्लीमेंट अ स्ट्रेटजी, तो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन जो होती है इसके फिर तीन ऑफशूट्स होते हैं, इसके अंदर फिर तीन आपके की डिसीजंस होते हैं। फिर जब भी आप किसी भी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको तीन बातों का ख्याल रखना होगा, यू हैव टू टेक केयर ऑफ थ्री थिंग्स। तो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन कॉल्स फॉर थ्री इंपॉर्टेंट डिसीजंस। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन करते हुए सबसे पहले तो बात हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। व्हेनेवर यू हैव टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजी यू हैव टू रीस्ट्रक्चर योर ऑर्गेनाइजेशन। एक कंपनी कहती है कि फाइन हमें एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ये उनकी स्ट्रेटजी है। अब उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए उनको नए लोग हायर करने पड़ेंगे, उनको नया स्किल हायर करना पड़ेगा, उनको शायद एक अलग डिपार्टमेंट खोलना पड़े, उनको अपने आप को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, दे हैव टू रीस्ट्रक्चर देमसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल मैकडॉनल्ड्स की स्ट्रेटजी है कि हमने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में ऑपरेट करना है तो लेट्स गो टू पाकिस्तान विद देयर बिजनेस, ये उनकी स्ट्रेटजी है। अब जब वो स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करेंगे सो इट मीन्स व्हेन दे आर गोइंग टू एंटर पाकिस्तानी मार्केट, तो उनको रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी ना अपने आप, उन्हें यहाँ पे एक पूरा डिपार्टमेंट, एक पूरा बिजनेस मॉडल बनाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट्स खोलने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो काम होता है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में वो होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। दूसरा काम होता है आपका दैट इज चेंज मैनेजमेंट, दैट इज नोन एज चेंज मैनेजमेंट। द सेकेंड थिंग विच यू आर इंटरेस्टेड इज चेंज मैनेजमेंट। और तीसरा काम जो होता है आपका दैट इज जब आप किसी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत सारी चीजें फिर रियल टाइम में सामने आती हैं। वो स्ट्रेटजी जो आप सोच के चलते हैं उसे कहते हैं इंटेंडेड स्ट्रेटजी, और वो स्ट्रेटजी जो आपको इमर्ज करनी पड़ती है रियल टाइम में सोचनी पड़ती है उसे कहते हैं इमर्जेंट स्ट्रेटजी। आप घर से निकलते हैं कहीं जाने के लिए तो आपके जहन में एक रूट होता है ना, एक रास्ता होता है, दैट इज योर इंटेंडेड स्ट्रेटजी कि मैंने इस रास्ते के थ्रू इस रूट पे जाना है, आई हैव टू गो टू दिस रूट थ्रू दिस पर्टिकुलर थ्रू माई डेस्टिनेशन थ्रू दिस पर्टिकुलर रूट, ये आपकी इंटेंडेड स्ट्रेटजी। ओके, अच्छा, लेकिन आप घर से निकलते हैं तो वो रास्ता ब्लॉक होता है, दैट रोड इज चोक्ड। अब आप जब वो उस वक्त 11th आवर पे रियल टाइम में अब आप जब रास्ता चेंज करने का डिसीजन लेंगे, व्हेन यू विल टेक अ डिसीजन टू चेंज योर रूट, दैट विल बी योर इमर्जेंट स्ट्रेटजी, इसे हम कहेंगे इमर्जेंट स्ट्रेटजी। सो स्ट्रेटजी इंटेंडेड भी हो सकती है, इमर्जेंट भी हो सकती है। स्ट्रेटजी आपकी इंटेंडेड भी होती है और स्ट्रेटजी आपकी इमर्जेंट भी होती है। ठीक, यहां तक क्लियर है? एनी क्वेश्चन सो फार? तो ये इतना कहानी सुनाने का पर्पस ये था, ये कहानी आपकी किताब में बहुत दो लाइनों में लिखी हुई है, मैंने इसे काफी थॉरली एक्सप्लेन किया आपको। स्ट्रेटजी को डिफाइन किया हमने कि स्ट्रेटजी एक तरीका है अपने गोल्स को अचीव करने का, और स्ट्रेटजी को डेवलप करने का जो प्रोसेस है उसकी तीन स्टेजेस है, नोइंग योर पोजिशन, डिवेलपिंग चॉइसिस एंड देन इम्प्लीमेंटिंग वट एवर स्ट्रेटजी यू हैव डिवेलप्ड। जब आप पोजीशन एनालिसिस कर लेते हैं, एक स्ट्रेटजी को पिक कर लेते हैं, फिर जब आप उसे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके आते हैं, व्हेन यू ब्रिंग इट टू इम्प्लीमेंटेशन यू हैव टू मेक थ्री डिसीजंस। और ये तीन डिसीजंस जो हैं हमारे, ये स्ट्रक्चर है, चेंज है और इंटेंडेड और इमर्जेंट स्ट्रेटजी का कॉम्बिनेशन है। सो आफ्टर स्ट्रेटजिक पोजीशन एनालिसिस हैज बीन अंडरटेकन, अवेलेबल स्ट्रेटजीज हैव बीन इवैल्यूएटेड एंड प्रेफर्ड स्ट्रेटजी हैव बीन सिलेक्टेड। ये पहली दो लाइनों में ये दो काम हो रहे हैं, ये दो काम हो रहे हैं, पोजीशन एंड चॉइस। ठीक है, जब आपने पोजीशन एनालिसिस कर लिया, आपने चूज कर ली स्ट्रेटजी, द सिलेक्टेड स्ट्रेटजी देन मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड।
अचीविंग स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव रिक्वायर्स सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, और सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन जो है ये आपके दो चीजों पे डिपेंड करती है, तीन चीजों पे डिपेंड करती है, आपका स्ट्रक्चर, आपकी चेंज और आपकी स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेंडेड एंड इमर्जेंट स्ट्रेटेजी, इंटेंडेड एंड इमर्जेंट स्ट्रेटेजी, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो दैट इज व्हाई वी स्टडी स्ट्रक्चर, कि वी हैव टू इम्प्लीमेंट अ स्ट्रेटेजी, दैट इज व्हाई वी स्टडी स्ट्रक्चर बिकॉज वी हैव टू। जी जी प्लीज, यू कैन कॉपी इट, वैसे रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगी डेफिनेटली। ओके गुड, सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज एन एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। स्ट्रैटेजी को आप इंप्लीमेंट करते हैं थ्रू एक्शंस, एंड एक्शंस आर प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड थ्रू मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर विद इन द एंटिटी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्ट्रैटेजी इज इंप्लीमेंटेड थ्रू एक्शंस, एंड एक्शंस आर कंट्रोल्ड थ्रू डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर विद इन द एंटिटी। अगर ये सेंटेंस समझ आ गया आपको तो आप समझ लें आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया। किस किस को ये सेंटेंस समझ नहीं आया? Anyone who did not get this sentence through this diagram, इस डायग्राम से, कहते हैं स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन का एक एस्पेक्ट है। स्ट्रेटजी को हम इंप्लीमेंट करते हैं थ्रू प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डन जी। स्ट्रक्चर वेरी करता है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और हर एंटिटी का जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है उस इदारे का साइज क्या है, उसके ऑपरेशंस क्या है, वो क्या अचीव करने जा रहे हैं, उनका उनका लेवल ऑफ ऑपरेशन, मतलब वो कितने बड़े पैमाने पे ऑपरेट करते हैं, एट व्हाट हाई लेवल डू दे ऑपरेट, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। मुख्तलिफ किस्म के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी मुख्तलिफ किस्म के लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, जैसे मैकडॉनल्ड्स का जो स्ट्रक्चर है वो डेफिनेटली वेरी करेगा पैक के स्ट्रक्चर से, क्योंकि मैकडॉनल्ड एक मल्टीनेशनल कंपनी है और फास्ट फूड में है, उसका स्ट्रक्चर और होगा, पैक का स्ट्रक्चर और होगा। आपके घर के पास जो छोटी मोटी एक शॉप है, ग्रोसरी शॉप है, उसका स्ट्रक्चर वेरी करेगा फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ लेट्स से हाइपर स्टार, ठीक है, कि हाइपर स्टार इज अ ह्यूज बिजनेस, जबकि आपके घर के पास नियर बाय जो ग्रोसरी शॉप है दैट्स अ वेरी स्मॉल बिजनेस। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर देयर, बट नो स्ट्रक्चर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। इट प्योरली डिपेंड्स कि एक इदारे के ऑब्जेक्टिव क्या हैं और वो इदारा कैसे ऑपरेट करने में इंटरेस्टेड है, इस पर डिपेंड करेगा कि वो इदारा क्या स्ट्रक्चर चूज करता है। बेस्ट स्ट्रक्चर कोई नहीं होता, रिमेंबर दैट, देयर इज नो बेस्ट स्ट्रक्चर। हम पांच स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे, एंटरप्रेन्योरियल, फंक्शनल, डिवीनल, मैट्रिक्स, टीम बेस्ड एंड प्रोजेक्ट बेस्ड। इसमें एक नाम मिसिंग है, यहाँ पे आप एक और नाम ऐड कर लें, प्रोजेक्ट बेस्ड एंड टीम बेस्ड स्ट्रक्चर। इसमें हेडिंग्स में एक नाम मिसिंग है, and this is the structure, project based and team based। तो पांच किस्म के structures पढ़ेंगे। examination के हवाले से अगर देखा जाए तो entrepreneurial पे question आ चुका है, functional पे question आ चुका है, और matrix पे question आ चुका है। divinal पे अभी तक सवाल नहीं आया, और team based and project based पे अभी तक सवाल नहीं आया, ठीक। so question have appeared multiple times on multiple structures, डिवीनल स्ट्रक्चर और टीम बेस्ड स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन अभी तक अपेयर नहीं हुआ सो फार। यहां तक क्लियर, एनी क्वेश्चन सो फार? आज एक्चुअली आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग फुल सेशन, लेकिन वो मुझे कहा गया कि आप देख लें, इफ यू वॉन्ट टू टेक, आई जस्ट थॉट कि फिर एक छोटा सा सेशन कर लेंगे, आपसे थोड़ी बहुत गपशप लगा लेंगे, स्ट्रक्चर को एटलीस्ट आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा, फिर डिटेल में हम इंशाल्लाह स्ट्रक्चर अपनी रेगुलर क्लास में डिस्कस करेंगे। तो टेस्ट आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया? हैव यू अटेम्प्टेड द टेस्ट? जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया वो प्लीज अटेम्प्ट करके, अगर अपलोड की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप डायरेक्टली उसे ऑनलाइन वाले आईडी पे ईमेल कर सकते हैं, मैं कह दूंगा टीए को, वो उसे भी आपको जो है वो दे देगा उसका वेटेज, ठीक है। सो इफ यू हैव नॉट अटेम्प्टेड सो फार, और एलएमएस पे अपलोड की ऑप्शन भी गायब हो चुकी है,
तो जस्ट सेंड इट टू दिस ईमेल ऑनलाइन एट द रेट ऑफ पैक डॉट ई डी डॉट यानी जिस ईमेल के ऊपर आपके साथ वो रब्ता करते हैं, आई गेस यही ईमेल है ना जिससे आपका रब्ता होता है। हाँ हाँ बिल्कुल कर देते हैं माजिद। ओके आई गेस माजिद आपने मुझे व्हाट्सएप भी किया था इफ आई रिमेम्बर, आई कुड नॉट रिस्पॉन्ड यू आई गेस। हाँ मैं आपको शायद जवाब नहीं दे सका। ओके पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स इसे कहते हैं स्टेक होल्डर मैपिंग। स्टेक होल्डर मैपिंग का मतलब होता है, मैप करने का मतलब होता है कि आइडेंटिफाई करो कौन सा स्टेक होल्डर सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज हाउ वी डिफाइंड स्टेक होल्डर मैपिंग। मैं आपसे बारहा कहता हूँ कि डेफिनेशन ढूंढा करो पैराग्राफ्स के अंदर और डेफिनेशन को हाईलाइट कर लिया करो, डेफिनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज हाउ वी डिफाइन स्टेक होल्डर मैपिंग। ये टेक्निक है जिससे हम सीनियर मैनेजर्स को हेल्प करते हैं कि वो असेस कर सकें अपने मेन स्टेक होल्डर्स को, सो दैट दे कैन कंसिडर वट शुड बी डन टू विन सपोर्ट ऑफ पर्टिकुलर स्टेक होल्डर ग्रुप फॉर पर्टिकुलर डिसीजन। इस प्रोसेस को हम स्टेक होल्डर मैपिंग कहते हैं कि जब आपके पास नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स एग्जिस्ट करते हैं एंड वेन यू हैव टू मैनेज अ नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स, तो फिर आप स्टेक होल्डर मैपिंग करते हैं। और स्टेक होल्डर मैपिंग कैसे की जाती है? बाय आइडेंटिफाइंग सेपरेट कैटेगरीज ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड देन डिटर्मिनिंग वट शुड बी डन विद ईच कैटेगरी ऑफ स्टेक होल्डर्स सो दैट यू कैन विन देयर सपोर्ट। स्टेक होल्डर मैपिंग की एक टेक्निक है मेंडेलोज पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। स्टेक होल्डर मैपिंग को वो कहते हैं कि आप डिफरेंट स्टेक होल्डर ग्रुप को 2x2 मैट्रिक्स में इवैल्यूएट करते हैं, और इसको इवैल्यूएट करने की एक टेक्निक का नाम है पीआई मैट्रिक्स। इसे हम मेंडेलो मैट्रिक्स भी कहते हैं, पीआई मैट्रिक्स भी मेंडेलो ने इसे इन्वेंट किया था। बेसिकली 2x2 की मैट्रिक्स है, एक तरफ रखते हैं पावर ऑफ स्टेक होल्डर और एक तरफ रखते हैं इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर। ये मैट्रिक्स क्लियर है कि ये भी एक्सप्लेन करूं दोबारा? इज इट क्लियर और शुड एक्सप्लेन इट अगेन? पावर हाई होगी या लो होगी तो क्या होगा? जी मैं करता हूं। ओके पावर ऑफ स्टेक होल्डर का मतलब होता है कि एक स्टेक होल्डर के पास कितनी इन्फ्लुएंसिंग अथॉरिटी है आपके डिसीजन को चेंज करने की। पावर ऑफ स्टेक होल्डर मीन्स दैट टू व्हाट एक्सटेंट अ स्टेक होल्डर कैन इन्फ्लुएंस योर डिसीजन। और इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर से मुराद है कि आपके डिसीजन का इंपैक्ट कितना पड़ेगा उस स्टेक होल्डर के ऊपर। जितना ज्यादा एक स्टेक होल्डर अफेक्ट होता होगा आपके डिसीजन से, उसका इंटरेस्ट भी उतना हाई होगा, और जितना उस पर इम्पैक्ट कम आएगा उसका इंटरेस्ट भी उतना लो होगा। आ रही बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस जो है वो अपनी एक ऑपरेशनल डिवीजन एक जगह से बंद कर रहा है, अपना प्लांट बंद कर रहा है, जिसकी वजह से कोई 1000 इम्प्लॉइज जॉबलेस हो जाएगा। अब इम्प्लॉइज के पास उनके डिसीजन को चेंज करने की पावर नहीं है, उनकी पावर लो है, दे हैव वीक पावर। ऑब्वियसली जब डिसीजन ले लिया टॉप मैनेजमेंट ने कि हमने प्लांट बंद करना है, इम्प्लॉइज क्या कर सकते हैं? हड़ताल कर सकते हैं, लेकिन हड़ताल भी मतलब वो मैनेजमेंट के डिसीजन को चेंज तो नहीं करेगी, तो पावर उनकी जो है वो वीक है। लेकिन उनका इंटरेस्ट बहुत हाई है, दे आर हाईली अफेक्टेड बाय द डिसीजन, क्योंकि उनके घर का चूल्हा बंद हो जाएगा अगर फैक्ट्री बंद होगी तो दे मस्ट बी केप्ट इन्फॉर्म्ड। उन्हें आपने इन्फॉर्म्ड रखना है। ऑन द अदर हैंड कस्टमर की मिसाल ले लें, कस्टमर हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर, क्योंकि कस्टमर ने बाइंग पावर को प्रैक्टिस करना होता है आपके ऊपर, कस्टमर की बाइंग पावर होती है। लेकिन कस्टमर का इंटरेस्ट ये नहीं है आपका बिजनेस प्रॉफिट कमाए नुकसान में जाए, आपकी एक्टिविटीज से कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कस्टमर का इंटरेस्ट लो होता है लेकिन पावर हाई होती है। कस्टमर मस्ट बी केप्ट सेटिस्फाइड, कस्टमर को आपने मुतमइन रखना होता है। आपके शेयर होल्डर्स हैं, अब शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट भी बहुत हाई हैं, उन्होंने अपना डिविडेंड लेना है आपसे, और शेयर होल्डर के पास पावर भी होती है, स्पेशली जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं जो आपके बोर्ड की कंपोजिशन को भी चेंज कर सकते हैं, आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो शेयर होल्डर्स आर योर की प्लेयर्स, ये की प्लेयर्स होते हैं जो अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और इनका इंटरेस्ट भी हाई होता है। मिनिमल एफर्ट, इन स्टेक होल्डर पे आपको कम से कम एफर्ट करनी होती है। जनरल पब्लिक की मिसाल ले लें, जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट भी लो है और उनकी पावर भी वीक है। नीदर दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन योर ऑपरेशंस एंड नॉट दे आर हाईली अफेक्टेड बाय योर ऑपरेशंस, उनके और उनके पास पावर भी नहीं है चेंज करने की। तो इसको हम कहते हैं मिनिमल एफर्ट। ये दो एग्जांपल्स मैंने कल भी आपसे कही थी पढ़ने के लिए। ये एग्जांपल देखें, एक कंपनी प्लान कर रही है शट डाउन करना अपने ऑपरेटिंग सेंटर को, जो भी मैंने एग्जांपल दिया आपको। एम्प्लॉइज हु विल बी मेड रिडंडेंट और ट्रांसफर टू अदर जॉब इन द कंपनी आर स्टेक होल्डर ग्रुप दैट प्रोबेबली हैज रिलेटिवली लिटिल पावर, हाउएवर देयर इंटरेस्ट मैटर इज वेरी स्ट्रांग। सो डायरेक्टर शुड कीप द एम्प्लॉइज फुल्ली इन्फॉर्म अबाउट देयर डेवलपमेंट्स, इनको इन्फॉर्म रखना है आपने। इसके बरक्स ये एग्जाम्पल है की प्लेयर्स की। बोर्ड जो है वो एक मेजर कंपनी का वो टेक ओवर बिड कर रहा है एक और कंपनी की, और स्टॉक मार्केट रूल्स ये कहते हैं कि आप शेयर होल्डर से इनपुट लिए बगैर, शेयर होल्डर की मर्जी के बगैर आप नहीं कर सकते। तो शेयर होल्डर्स के पास लार्ज पावर है और हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट है,
तो शेयर होल्डर यहाँ पे आपके की प्लेयर्स हैं, तो आपको इनकी फुल सपोर्ट चाहिए बिफोर यू मेक अ डिसीजन। गॉट इट? तो ये दो एग्जांपल्स हैं इसके, ठीक। चले तो कल फिर इंशाल्लाह अगर रेगुलर क्लास हुई हमारी होपफुली, तो हम फिर कल स्ट्रक्चर्स की टाइप्स पे जंप करेंगे, ठीक है। इन द मीन टाइम कोई क्वेश्चन हो मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिएगा। जी जी प्लीज सना, पूछिए पूछिए पूछिए। ओके ठीक है, हम कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। इस पे हम वर्कआउट कर लेंगे, अगला टेस्ट फिर आप सबसे पूछ के थोड़ा डिस्कस कर लूंगा। कंपेटिटिव पोजीशन एंड कम, देखें नहीं थोड़ा सा फर्क है। कंपेटिटिव पोजीशन से एक कंपेटिटिव एडवांटेज आता है। देखें आपकी क्वालिटी स्ट्रांग है या आपकी कंपेटिटिव पोजीशन है, इसकी वजह से आपकी प्रॉफिट्स हाई होंगे, ये कंपेटिटिव एडवांटेज है। रिमेंबर पोजीशन पहले आती है, एडवांटेज बाद में आता है। समरी चैप्टर नंबर 2 और 3 की मिल जाएगी। ओके या बाद दफा ना व्हाट्सएप मैसेजेस के अपना स्किप हो जाते हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरी कोशिश होती है कि जहां तक हो सके मैं रिस्पॉन्ड करूँ। आप बिल्कुल, अब आपने उससे समरी वाली बात की है तो मुझे याद आ गया कि आपने व्हाट्सएप किया था। वो विंडो पे मैसेज जब एक दफ़ा अपेयर हो जाता है ना तो वो रेड में आ जाता है, लेकिन वो उसके बाद फिर चूंकि उस पर ध्यान नहीं जाता, तो कोई नहीं मैं इंशाल्लाह भेज दूंगा, ठीक। सना क्वेश्चन क्लियर हुआ? कंपेटिटिव पोजीशन से मुराद है व्हाट यूनिकनेस यू हैव इन कंपैरिजन टू अदर्स, एंड बेस्ड ऑन दैट यूनिकनेस व्हाट बेनिफिट यू हैव इन रिलेशन टू अदर्स। स्ट्रेटजी कहते हैं कोर्स ऑफ एक्शन को। अ गुड स्ट्रेटजी कैन हेल्प यू एक्वायर गुड कंपेटिटिव पोजीशन, एंड अ गुड कंपेटिटिव पोजीशन कैन हेल्प यू। जैसे कॉस्ट लीडरशिप एक स्ट्रेटजी है, इससे आपकी कंपेटिटिव पोजीशन स्ट्रांग होगी। यूनिकनेस क्या पैदा होगी कि आपसे लो कॉस्ट किसी और की नहीं है। इससे आपको कंपेटिटिव एडवांटेज क्या हासिल होगा, आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा, आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। हाँ, स्ट्रेटजी सिंपली मीन्स दैट द कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव अ गोल, ठीक है। अगर आपने कनेक्ट करना है ना स्ट्रेटजी को, पोजीशन को और एडवांटेज को, तो इस तरह देख लें। माइकल पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटजीज की बात की थी हमने, वो स्ट्रेटजी है। डिफरेंशिएशन एक स्ट्रेटजी है। आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको कंपेटिटिव पोजीशन क्या मिलेगी, दैट यू विल बी यूनिक फ्रॉम अदर्स। आपका प्रोडक्ट जो है वो दूसरों से मुख्तलिफ होगा। इसका फायदा क्या मिलेगा आपको, आपकी सेल्स बढ़ेंगी, आपका ब्रांड नेम बढ़ेगा, आपकी आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। ये आपकी कंपेटिटिव पोजीशन हो जाएगी। क्लियर? चले ठीक है, फिर कल इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।